भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से रचा इतिहास, तोड़ दिया बरसों साल पुराना रिकॉर्ड। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा को भी नहीं हुआ अपनी आंखों पर भरोसा। यहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी मोहम्मद सिराज ने इस कदर धोया कि उनको एक एक करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वही यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर चला, तबाही भरी बल्लेबाजी से मैदान पर आग लगा दी। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट मुकाबला दिखाएंगे कि किस तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक याद रखेंगे। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल की बल्लेबाजी, तो वही सरफराज खान, रविंद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने जा रहे हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब तीसरे टेस्ट मुकाबले का टॉस छाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीत कर पहले बल्लेबाजी चुनी। शायद उनके लिए शुरुआत में काफी ज्यादा गलत साबित हुआ क्योंकि यहां पर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल 7-0 पर आउट हो गए थे। रजत पाटीदार भी आउट हो गए थे पहले दिन, लेकिन तो वही सरफराज खान, रविंद्र जडेजा ने मिलकर के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, तो वही रोहित शर्मा ने भी 132 रन ठोके थे। लेकिन ये तो पहले टेस्ट के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का मैच था, लेकिन जो तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की है यशस्वी जायसवाल और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने, उसको देखकर तो आपको चक्कर ही आ जाएगा। पूरा का पूरा सब कुछ हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब यहां पर तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल गए, रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां पर उन्होंने तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन 131 रनों की नाबाद पारी खेली थी, लेकिन इस बार वो ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। लेकिन यहां पर आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने छक्के से शुरुआत की और मैदान पर इनका बल्ला ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से चलता रहा, तो वही रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इनका बल्ला ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर गरजता रहा, तो वही यशस्वी जायसवाल ने भी छठे ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 3 छक्के और 2 चौके जड़ दिए। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से दूसरे दिन मैदान पर कहर बरसा दिया, लेकिन रोहित शर्मा यहां पर 37 रन पर आउट हो गए। उसके बाद यहां पर यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए घातक विस्फोटक बल्लेबाज इंडिया टीम के प्रिंस शुभमन गिल आए। शुभमन गिल काफी खोखार विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो भी लगातार कई मैचों में फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे। लेकिन इस बार शुभमन गिल ने और यशस्वी जायसवाल ने, इन नए युवा बल्लेबाजों ने मिलकर के ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली और इनका ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्ला चलता रहा। इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इनकी गेंद बल्लेबाजी का सामना कैसे करें, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाज से लेकर के कप्तान तक का भी माथा चकरा गया जब यशस्वी जायसवाल ने 20 ओवर तक जाते जाते ही 35 रन ठोक दिए। आप सभी को बता दें कि यहां पर रन पे रन बन रहे थे और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज इन बल्लेबाजों से काफी ज्यादा हैरान थे और परेशान थे। इन लोगों ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन इनका बल्ला मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आप सभी को बता दें कि ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच राहुल द्रविड़ का भी माथा जब चकरा गया जब यहां पर यशस्वी जायसवाल ने 150 और शुभमन गिल ने 200 रनों की नाबाद पारी खेल डाली और अभी भी ये नॉट आउट बने थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की जोड़ी खेल रही हो, जिनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोई कसर नहीं छोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने में। जी हां, तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन सरफराज खान, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजों को जम करके धोया था, तो वही तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। आप सभी को बता दें कि तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ने 200 और 150 रनों की नाबाद पारी खेल डाली, जहां पर भारतीय टीम की तीसरे टेस्ट मुकाबले में जीत निश्चित है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शुभमन गिल जायसवाल में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय।